मुंबई के उपनगर मलाड पूर्व के क्षेत्र में सामाजिक संस्था नई उम्मीद फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने कई जरूरतमंद लोगों को लॉकडाउन के दौरान राशन वितरण करके उनकी मदद की, जिससे इस नई उम्मीद फाउंडेशन के काम की कई लोगों ने तारीफ की। दरअसल पिछले कई दिनों से ये फाउंडेशन देश में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के दौरान सैनिटाइजर, मास्क और घरेलू राशन के साथ साथ पानी की भी कई लोगों को व्यवस्था लगातार करता आ रहा है। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता अजय परिहार की ये खास रिपोर्ट। शर्मा जी, आप ये सामाजिक कार्य कितने दिनों से, कितने महीनों से कर रहे हैं? सामाजिक कार्य तो मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो ये कोरोना वायरस जब से फैला हुआ है, तब से जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, तब से जान लीजिए मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। और ऐसा पर्टिकुलर हमको कहीं से फ़ोन आ रहा है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी है, हम वहाँ पर वहाँ के लिए राशन ले कर पहुँच जा रहे हैं। क्या आपको कोई गाइडलाइन मिलती है या आप अपने इच्छानुसार करते हैं? नहीं, हमको गाइडलाइन जैसे हमारे प्रेरणा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष नामदेव सर है, जो इनके थ्रू मुझे गाइडलाइन मिलती है, और एक भारतीय नई कल्याण विकास सेवा से मिलती है, उनके द्वारा हमको गाइडलाइन मिलती है। और लोगों में हमारा नंबर मैसेजेस पहुँचे हैं, जिससे कि लोग जहाँ पे तकलीफ हो वहाँ का मुझे पता चलता है, फिर मैं वहाँ पे ले जाकर राशन पहुँचता हूँ। अब तक आपने कितने लोगों के यहाँ सहकार्य किया है? अभी तक तो लगभग 200-500 के लगभग मैं पहुँच रहा हूँ लोगों का, मतलब सपोर्ट कर रहा हूँ लोगों का, और मैं ऐसा करता रहूँगा जब तक ये तकलीफ दिक्कत आती रहेगी लोगों में। आप उन लोगों तक कैसे पहुँचते हैं, क्या कोई मैसेज करता है या आपको कोई? एक्चुअली मैं आज तक जिसको मैंने राशन दिया है, मैंने उसको कभी जाना नहीं है। ये नहीं कि मैं अपने पहचान वाले को ही दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जान लीजिए हमको वाया पता चल रहा है, कहीं अगर हमको उत्तर प्रदेश से भी पता चल रहा है कि भाई ये फला आदमी बहुत परेशान है, तो हम उसके यहाँ लेके पहुँचे। जैसे अगर हमारे सर ने बोला कि यहाँ तकलीफ है, हम वहाँ पर राशन लेके आ गए हैं, वहाँ पर पहुँचा नहीं गए। जी, मैं रविशंकर शर्मा नई उम्मीद फाउंडेशन से हूँ, और मैं एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ सिर्फ कि लोग एक दूसरे का सहारा बने, और अपने आस पड़ोस में अगर एक दूसरे का ध्यान देंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे, तो इस जो वैश्विक जो महामारी चल रही है, उससे हम निजात पा सकेंगे। कम से कम 400-500 लोगों के यहाँ हम लोगों ने ऐसा कार्य किया हुआ है। पर्यटन अध्यक्ष हूँ, और जो चंद्रभूषण शर्मा जी और उनकी टीम मेरे फाउंडेशन के तरफ माध्यम से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी दिनों से समाज कार्य में जुटे हुए हैं, जिन लोगों को तकलीफ है उन लोगों तक पहुँच रहे हैं। जैसे मेरी नज़र में कहीं लोग ऐसे दिखाई देते हैं कि उनको तकलीफ है, तो मैं उन तक ये मैसेज छोड़ देता हूँ, और वहाँ जाकर वो लोगों को ये सहकार्य कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही सहकार्य करते रहें, और ये फाउंडेशन को मैं बधाई देता हूँ और इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान आपको इतनी शक्ति दे कि आप हर लोगों को समस्या छोड़ने छुड़ाने के लिए हर लोगों के पास पहुँचें। एक्चुअली मैं हमको जहाँ तकलीफ पता चल रहा है, जैसे मान लीजिए नाला सपारा हो गया, थाने हो गया, घाटकोपर हो गया, कुरला हो गया, अगर मैं वहाँ पहुँच भी रहा हूँ, ये जान लीजिए इस नाकाबंदी में और जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हम प्रशासन से अनुमति लेके हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं। जिसके ये हमारे पिंटू भाई साहब हैं, जिनकी ये गाड़ी है, ये जान लीजिए कि पिंटू पायलट जहाँ चाहते वहाँ हमको लेके पहुँचा दे रहे हैं, और गरीबों को जिसके पास तकलीफ हो रहा है ना, हम उनके पास राशन लेके पहुँच जा रहे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा मैं आभार व्यक्त करूँगा हम अपने पिंटू जी के। पिंटू जी के कैसा लग रहा है आपको ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ रह के कैसा लग रहा है? नई उम्मीद फाउंडेशन।